हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम लोग बात करेंगे इंटरनल रिक्रूटमेंट के बारे में। तो आपने इंटरनल रिक्रूटमेंट का वीडियो देख लिया है, नहीं देखा है तो देख लीजिए, ठीक है। और उसके कैसे कैसे इंटरनल रिक्रूटमेंट क्या क्या चीज़ें होती हैं, इसके पहले वाला वीडियो देख लीजिए तो आपको ईजी रहेगा समझने में मेरिट्स और डीमेरिट्स। तो ये है मेरिट्स ऑफ रिक्रूटमेंट, फाइलिंग वैकेंसीज फॉर द हायर जॉब बाय प्रमोटिंग एम्प्लॉइज फ्रॉम विद इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड हेल्प टू मोटिवेट एंड इम्प्रूव द मोराल ऑफ द एम्प्लॉइज, दिस इंडिकेट्स द लॉयल्टी अमंग देम। अब इसमें होता क्या है, अगर आप भाई इंटरनल रिक्रूटमेंट करेंगे, अगर जो आदमी आपके 10 साल से काम कर रहा है उसको प्रमोट करेंगे, तो एक तरीके से एम्प्लॉइज़ का मोराल अच्छा होता है। सब एम्प्लॉइज़ को फीलिंग आती है कि चलो भाई कंपनी कम से कम हम लोग के बारे में सोचेगी, फ्यूचर में हम लोग को भी हायर पोजिशन मिल सकती है। तो लोगों के जो पुराने एम्प्लॉइज़ होते हैं उनके मन में सेटिस्फैक्शन हो जाता है, ठीक है, उनका मोराल हाई हो जाता है। तो ये सब फ़ायदा होता है पुराने एम्प्लॉइज़ को। अब आते हैं इंटरनल रिक्रूटमेंट हेल्प्स टू मिनिमाइज द लेबर टर्नओवर एंड एब्सेंटिज्म, पीपल वेट टू प्रमोशन एंड वर्क फोर्स इन द फोर्स इज मोर सेटिस्फाइड। अब इसमें क्या बोला, इंटरनल रिक्रूटमेंट अगर आप करते हो तो जो हमारे कंपनी में जो लोग होते हैं वो कभी भी आप देखोगे एब्सेंटिज्म बहुत कम होगा, मतलब लोग एबसेंट बहुत कम होंगे और कंपनी छोड़ के कम जाएंगे, क्योंकि उनको पता है कि यहाँ पे अगर रहेंगे तो धीरे धीरे प्रमोट होकर बड़ी प्रोफाइल तक पहुँच जाएंगे। तो इसका एडवांटेज कंपनी को मिलता है कि वो ज़्यादा लंबे समय तक लोग काम करते हैं और उनके काम करने का तरीका और बेहतर बन जाता है और वर्कफोर्स जो होता है वो सेटिस्फाइड होता है, उनको पता होता है कि हाँ मेरा फ्यूचर इस कंपनी में है, हमको आगे नौकरी मिलेगी और अच्छी मिलेगी अगर इस कंपनी में काम करते रहेंगे तो, यही कंपनी हमको अच्छी जॉब दे देगी और अच्छा सैलरी दे देगी। तो इससे थोड़ा एम्प्लॉयर का जो एम्प्लॉई होते हैं, जो वर्कफोर्स होता है वो मोटिवेट हो जाता है। अब है, इट इज़ अ चीपर सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, फुल इंफॉर्मेशन अबाउट अ कैंडिडेट इज़ ऑलरेडी अवेलेबल। तो इसमें क्या है, इसको सस्ता सोर्स मानते हैं, क्यों, क्योंकि ऐसे रिक्रूटमेंट करोगे टीवी में ऐड दोगे या फिर न्यूज़पेपर में मैगजीन में ऐड दोगे तब तो लोग आएंगे। इसमें क्या है कि आपको कोई एडवर्टीजमेंट नहीं करना, ठीक है, ज़्यादा इंटरव्यू का टाइम नहीं लगता, तो जल्दी जल्दी आपको एम्प्लॉइज़ मिल जाते हैं, तो इसीलिए इसको भी हम अच्छा रिक्रूटमेंट का सोर्स मानते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट, कैंडिडेट वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन डू नॉट रिक्वायर्ड इंडक्शन ट्रेनिंग। तो आप इंडक्शन ट्रेनिंग से ही बच जाते हैं। इंडक्शन ट्रेनिंग क्या होता है, जब कोई भी एम्प्लॉई हमारी कंपनी में आता है तो उसको कंपनी के बारे में बताना, कंपनी का कामकाज समझाना, उसका कामकाज नहीं कंपनी का कामकाज समझाना, तो इसको हम लोग इंडक्शन ट्रेनिंग बोलते हैं। सारे एम्प्लॉइज़ को दी जाती है, छोटे से लेकर बड़े लेवल तक। तो ये सब चीज़ें नहीं करनी पड़ती। अगर मान लीजिए आप इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट करते हैं तो आपको ये सब चीज़ें नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है। अब आते हैं डीमेरिट्स, देयर मे बी इन ब्रीडिंग एज फ्रेश टैलेंट मे आउटसाइड एंड नॉट ऑब्टेन्ड। अब देखिए, एक प्रॉब्लम भी होती है भाई, अगर आप अच्छा जिस चीज़ का अच्छा पहलू है उसका बड़ा पहलू भी है। इसमें बुरा पहलू क्या है कि जो हमें आपको फ्रेश ब्लड नहीं मिलता, फ्रेश ब्लड मतलब नए सोच वाले लोग नहीं मिल पाते, क्रिएटिव लोग नहीं मिल पाते। जो पुराने लोग कंपनी में काम कर रहे हैं वही को प्रमोट कर दिया तो कंपनी ज़्यादा डायनामिक ज़्यादा क्रिएटिव नहीं हो पाती इनके मतलब इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट की वजह से। अनसुटेबल कैंडिडेट मे बी प्रमोटेड टू द पोजीशन ऑफ द हायर रिस्पॉन्सिबिलिटी बिकॉज द चॉइस इज लिमिटेड। अब एक ये भी बड़ी प्रॉब्लम है कि अगर कोई भी एम्प्लॉई आपके यहाँ पहले से बहुत साल से वर्क कर रहा है तो और वो कैपेबल नहीं है कि उसको आप मैनेजर बनाइए, लेकिन सारे एम्प्लॉई 5 साल 6 साल वालों को आपने अगर मैनेजर बना दिया है 5 साल 6 साल एक्सपीरियंस वालों को तो 10 साल वालों को बनाना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये भी एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है कि आप सबको तो मैनेजर बना नहीं सकते, लेकिन इंटरनल में आप फंस जाते हो, ठीक है, आपको उसी में से चूज करके बनाना पड़ता है। नेक्स्ट है, द एम्प्लॉई मे बिकम लेथेटिक एंड इट दे श्योर टाइम बाउंड प्रमोशन। तो यहाँ पे क्या है, एम्प्लॉई जो होते हैं वो भी आलसी हो जाते हैं, उनको लगता है कि अरे यार कंपनी में खाली टाइम बिताओ प्रमोशन तो हमको मिलेगा ही, और काम भी अच्छे तरीके से नहीं करते हैं क्योंकि उनके दिमाग में बैठ जाता है कि कंपनी तो प्रमोट करेगी, कुछ भी करो कंपनी में कैसे भी समय बिताओ, ठीक है। तो एम्प्लॉई का जो वर्किंग का जो एक तरीके से अच्छा आउटपुट नहीं मिल पाता, क्यों, एम्प्लॉई भी आराम करने लगता है। नेक्स्ट है, इंटरनल रिक्रूटमेंट कैन बी कम्प्लीट विद द मैथड ऑफ इट्सेल्फ, द एंटरप्राइज हैज़ टू रिस्टोर एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट एट सम स्टेज बिकॉज ऑफ द वैकेंसीज कैन नॉट बी फिल्ड
फ्रॉम विथ इन द ऑर्गेनाइजेशन। अब इसका मतलब क्या हुआ, कितना भी आप इंटरनल रिक्रूटमेंट कर लो वो कंप्लीट होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि इंटरनल रिक्रूटमेंट में आपने लोगों को तो रख लिया, अब नीचे की वैकेंसी खाली हो जाती है तो नए लोगों को आपको फिर से जॉब पे रखना पड़ता है। तो इंटरनल रिक्रूटमेंट एकमात्र सॉल्यूशन नहीं है, कहीं कहीं वो बहुत अच्छा काम करता है, लेकिन एक तरीके से आपको एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट तो करना पड़ता है। एट द लास्ट तो आपको एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट करना पड़ेगा। तो भाई छोटे लेवल के लोगों को आपने मैनेजर बना दिया, लेकिन अब छोटे लेवल का जो जगह है वो तो खाली है ना, उसके लिए तो आपको रिक्रूटमेंट करना ही पड़ेगा। तो वो यही समझा रहे हैं कि कोई एक सॉल्यूशन नहीं है रिक्रूटमेंट की, हमने एक बार एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट कर दिया तो कोई दिक्कत ही नहीं है, मतलब इंटरनल रिक्रूटमेंट कर दिया तो कोई दिक्कत ही नहीं है, एक्सटर्नल करने की दिक्कत ही नहीं है। लेकिन आपको इसीलिए आपको इंटरनल भी करना होता है, एक्सटर्नल भी करना होता है। थैंक यू स्टूडेंट फॉर वॉचिंग।